नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा रेलवे से हटके है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ YouTube द्वारा मिलने वाले पेमेंट के बारे में और मुझे कितना पेमेंट आया इस विषय पर। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मुझे 10,000 रुपये YouTube से पहला पेमेंट आया तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मजाक नहीं है, मैं इसी विषय पे आज बात करने वाला हूँ। YouTube द्वारा जो पहला पेमेंट आता है वो कब आता है और कितने दिन के बाद आता है। मेरे दोस्त मित्र साथी बहुत सारे ये बात पूछ रहे थे कि आपका पहला पेमेंट आया क्या, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी पर एक वीडियो बना दूँ और उस आप लोगों को भी ये जानकारी हो जाए कि मेरा पहला पेमेंट कितना आया। तो दोस्तों, YouTube पर पहला पेमेंट पाना इतना आसान नहीं है जो कि आप तुरंत चैनल बनाए और तुरंत सोचे कि एक महीने के अंदर ही मेरा पहला पेमेंट आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये संभव भी है और असंभव भी है। दोस्तों, ये क्यों संभव है और क्यों असंभव है? अगर आपने YouTube पर वीडियो बना रहे हैं और आपका व्यूअर बहुत तेज़ी से देखे जा रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी पेमेंट आ सकता है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपका व्यू तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है तो यानी कि आपका पैसा आने में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों, YouTube का एक क्राइटेरिया होता है जो कि आप उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तभी आपका वो जो चैनल होता है वो मोनेटाइज होता है। अब इस चैनल को मोनेटाइज होने के लिए क्या करना होता है? दोस्तों, सबसे पहले आपको चैनल को मोनेटाइज होने के लिए आपके चैनल पर कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आपका चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो क्या आपका मोनेटाइज हो जाएगा? नहीं। अभी 1,000 सब्सक्राइबर तो हो गए पर उसके अलावा आपका जो व्यू आवर होता है वो 4,000 घंटे कम से कम पूरा होने चाहिए। अगर आपका 4,000 घंटा पूरा हो जा रहा है और आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो आपका जो चैनल होता है वो मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका वीडियो आएगा उस वीडियो पर जितने भी व्यू आएंगे और उसका जो ड्यूरेशन हो, कितना घंटा आपका चैनल पर व्यू हुआ, उस हिसाब से आपका आपके चैनल पर पैसे आते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको पेशेंस रखना होगा और उसके हिसाब से आपका पेमेंट आएगा। क्योंकि आप सोचिएगा कि मैं तुरंत आज से वीडियो बनाना चालू करूँ और मेरा 10 दिन के बाद ही पेमेंट आना चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें टाइम लगता है और ये दो क्राइटेरिया कम से कम आपको पूरा करना होता है। दोस्तों, अगर आपने आज से वीडियो बनाना चालू किया, हो सकता है कल ही आपका किस्मत अच्छा हो और कोई एक वीडियो बहुत बड़ा वायरल हो जाए, तो आपका टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो तो पूरा हो जाएगा 4,000 घंटा, बट आपका जो सब्सक्राइबर है वो भी 1,000 पूरा होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका पूरा होता है तभी आपके जो चैनल है मोनेटाइज होगा और मोनेटाइज होने के बाद आपका आगे जो भी वीडियो लाइएगा उस पर जो भी व्यू आएगा उस हिसाब से आपका YouTube द्वारा पेमेंट आना चालू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।